हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज मैं आपको दो जो है इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। एक अपडेट दोस्तों सीबीएसई कंपार्टमेंट प्राइवेट और पत्राचार विद्यार्थियों को लेकर है, और दूसरी अपडेट दोस्तों जो है सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट को लेकर। तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, इसे स्किप ना करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों विद प्रूफ देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो अपडेट दोस्तों ये है कि जो सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था, एक नोटिफिकेशन जारी किया था दोस्तों, उसमें सीबीएसई ने कहीं पर ये मेंशन नहीं किया है। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सीबीएसई जो है क्लास 10th जो कंपार्टमेंट विद्यार्थी हैं प्राइवेट पत्राचार, उनका एग्जाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, और ना ये कहा गया है कि नहीं लिया जाएगा, यानी अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन दोस्तों इंडिया टुडे और जियो न्यूज के दोस्तों मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा गया कि जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं, वो चाहे वो क्लास 12th के हों चाहे क्लास 10th के हों, दोनों के ही एग्जाम 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच करवाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप पूरी तरीके से प्रूफ के साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको शो कर रहा हूँ कि क्लास 10th और क्लास 12th जो भी कंपार्टमेंट पत्राचार प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके एग्जाम लिए जाएंगे। यहाँ पर ये नहीं कहा गया, ठीक है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं क्लास 10th को लेकर। तो दोस्तों अब हम किसे सही माने, क्योंकि यहाँ पर दोनों न्यूज जो है दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी न्यूज पोर्टल है। आप जी न्यूज की भी बात कर सकते हैं, एनडीटीवी की बात कर सकते हैं, दोनों बहुत बड़े बड़े न्यूज पोर्टल है, ठीक है। तो क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के एग्जाम होंगे इनके अनुसार, ठीक है, लेकिन सीबीएसई के अनुसार अभी क्लास 10th के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं भी क्लास 10th का जिक्र नहीं है। क्लियर हो गया दोस्तों, लेकिन ये जिक्र जरूर है कि प्राइवेट कैंडिडेट्स जो है पत्राचार वाले हैं कंपार्टमेंट वाले हैं उनको बिना एग्जाम के पास नहीं किया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई का कहना है ना तो स्कूलों के पास और ना ही सीबीएसई के पास उनका कोई डेटा है जिसके आधार पर उन्हें अगली कक्षा में पास किया जा सके, ठीक है। तो ये पहली अपडेट दोस्तों बिल्कुल 100% सही है। दूसरी अपडेट दोस्तों जो मैं आपको देने वाला हूँ क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट को लेकर, तो दोस्तों सीबीएसई के जो एग्जाम कंट्रोलर है संयम भारद्वाज, उनकी बातचीत हुई है इंडिया टीवी से। तो इंडिया टीवी से उन्होंने साफ साफ कहा कि इस हफ्ते जो है शनिवार संडे तक क्लास 10th का जो रिजल्ट वो नहीं आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी सीबीएसई के अधिकारी स्कूलों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं रिजल्ट को सही बनाने को लेकर, क्योंकि स्कूलों द्वारा बहुत सारी मिस्टेक की गई थी, उस मिस्टेक को भी समाप्त नहीं किया गया है। ये भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, संयम भारद्वाज जी ने खुद स्वयं एनडीटीवी या इंडिया टीवी से बात किया और वो सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, यानी विद प्रूफ दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको मानकर चलना है कि अभी जो है रिजल्ट नहीं आने वाला, हो सकता है और कुछ डिले हो जाए जब तक सीबीएसई सही प्रकार से रिजल्ट को चेक ना कर ले, रीचेक ना कर ले, क्योंकि आपको पता है कि स्कूलों द्वारा रिजल्ट में बहुत ज्यादा गड़बड़ी की गई थी। और दोस्तों एक बात और बहुत जरूरी मैं आपसे सभी से कहना चाहता हूँ कि कुछ जो बच्चे हैं वो गलत कमेंट करते हैं, गालियां बकते हैं, तो वो शायद वो विद्यार्थी नहीं होंगे। तो दोस्तों देखो, जो न्यूज मिलती है वो मैं आप तक लेकर आता हूँ, 100% सही लेकर आता हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि भाई कम सब्सक्राइबर है, नया चैनल है तो कुछ भी खबर देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। नया चैनल जरूर, लेकिन हमारा जो चैनल हमेशा इसी बात को ध्यान रखता है कि 100% सही न्यूज आपको लेकर आए, और हमारे चैनल द्वारा सारी चीजें बिल्कुल 100% फैक्ट के साथ बताई जाती है दोस्तों। दोस्तों ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, तो गलत अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो उसे डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन गलत शब्दों का उपयोग ना करें, क्योंकि गलत शब्दों का उपयोग करने से क्या होता है, आपकी मानसिकता आपकी चरित्रता के बारे में पता चलता है कि आप कैसे हैं, किस प्रकार के हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों कि आपकी वीडियो कैसे लगी। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत धन्यवाद। जल्दी हमारी फैमिली दोस्तों 500 की होने वाली है, आप इसे जल्दी से 1000 कर दीजिए ताकि हम और आपके लिए और इसी तरह से मेहनत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।